I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. पैंतालीस साल पहले क्या हुआ था ये जानना बहुत जरूरी है। पेपर करेंसी अचानक बंद कैसे हो गई? मुझे इन सब बातों का पता लगाने के लिए इतिहास में जाना होगा। यही है वो इंसान जिससे मेरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मुझे इनसे मिलना ही होगा।
सर, आई एम सो ग्लैड टू मीट द फादर ऑफ क्रिप्टोकरेंसी. गलत. द फादर ऑफ क्रिप्टोकरेंसी इज संतोषी नागामोटो. और ये बात तुम भी जानते हो. ओह, बहुत खूब. आपके इंटेलिजेंस की दाद देनी पड़ेगी. आप आज भी उतने ही स्मार्ट हैं. आम तौर पर तुम इन्वेस्टिगेटर्स जर्नलिस्ट किसकी तारीफ नहीं करते. क्या चाहिए बोलो. आपसे बातों में कोई भी नहीं जीत सकता. मुझे कुछ डाउट्स हैं और इसलिए मैंने उन पर रिसर्च किया. उसी सिलसिले में मैं आपसे मिलने आया हूँ. पेपर करेंसी कैसे खत्म हुई? IMF और वर्ल्ड बैंक क्यों बंद हो गए? और सबसे जरूरी बात, काउंटर इकोनॉमिक हिटमैन एजेंसी क्यों शुरू हुई? काउंटर इकोनॉमिक हिटमैन एजेंसी के बारे में जानना है तुम्हें तो सुनो. दुनिया में विश्व युद्ध क्यों होते हैं ये बात आज तक कोई नहीं जान पाया. दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सुपर पावर बन गया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से पूरी दुनिया में उसकी पहचान बन गई. अमेरिका ने अपने सैनिक और आधुनिक हथियारों के बल पर लगभग 40 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को सूचित कर ब्रिटेन वुड्स नामक शहर में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई. इस बैठक में एक निर्देश जारी किया गया कि दुनिया के सभी राष्ट्रों की आर्थिक व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिए. हर देश में मौजूद सोने की कीमत अमरीकी डॉलर के हिसाब से तय करके सभी देशों में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाएगा. इस निर्देश को कुछ देशों ने ना चाहते हुए भी अपनी सहमति दे दी और इस तरह पूरी दुनिया में जहां कहीं भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तो वो डॉलर के रूप में ही होता है. अमेरिका अब दुनिया भर में अपना रोब जमाने लगा था. उसने डॉलर का मुद्रण करके अंतरराष्ट्रीय बाजार यानी इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का इस्तेमाल गरीब देशों को कर्ज देकर उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए करने लगा. यहाँ तक कि अमेरिका IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा दिए गए कर्ज को भी ब्याज के तौर पर इस्तेमाल करके उनके संसाधनों को हड़पता गया, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ने से रुक गई. इकोनॉमिक हिटमैन के नाम का एक गिरोह इन संस्थानों के लिए काम करता था. भारत देश को भी भारी मात्रा में इसी गिरोह ने कर्ज देकर उसकी आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की थी, जिसे अंजाम दिया था एक युवक ने. पहले दो विश्व युद्ध हथियारों से हुए, लेकिन तीसरा युद्ध करेंसी से हो रहा है. हम सब हैकर्स का एक अनोखा स्वभाव है. हम लूटते हैं लेकिन पैसे को नहीं, सिर्फ कंप्यूटर्स के सिक्योरिटीज को लूटते हैं. मेरी एक बहुत छोटी सी ख्वाहिश है, बस 10,00,000,00,000 रुपए चाहिए. दुनिया में सभी बैंकों को पैसा देने वाली सेंट्रल बैंक को लूटने का प्लान था मेरा. सभी को कुछ न कुछ जुनून होता ही है. वैसे मुझे कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र और चार्ल्स बैबेज ने बनाया हुआ कंप्यूटर दोनों बेहद पसंद है. हैकिंग करते समय तुम पर कोई ध्यान नहीं देता, होने के बाद हम किसी पर ध्यान नहीं देते. 3, 2, 1 गो. वेब सिक्योरिटी को बढ़ाने के बारे में मैंने कई बार कहा पर तुमने ध्यान नहीं दिया. तुम्हारे तमाम सिस्टम्स में वायरस डाल दिया गया है. गवर्नमेंट के वेबसाइट्स काफी कमजोर लग रहे हैं. यस सर, इस बार भी मनी इन्वेस्टमेंट कहकर गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा. श्योर सर, क्रिस्टीना से बात करके मैं संभाल लूंगा सर. श्योर सर, आई विल हैंडल इट, नो प्रॉब्लम. Good morning, sir. Good morning. I am Firoz Merchant.
रॉ एजेंट। यस। और ये रामाया, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, प्रपोज्ड बाय सेंट्रल मिनिस्टर। ओके। अगर मैं इस सीट पे बैठा हूं तो इतना तो मालूम होगा ही, बोलिए क्या बात है। हैकिंग क्राइम के बारे में आप जानते ही होंगे सर, हाल ही में सभी गवर्नमेंट साइट्स को हैक किया गया था। ऑफ कोर्स, मैंने भी सुना इस बारे में। हमारे रीसेंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आरबीआई साइट को भी हैक करने की संभावना है, इसी बात को लेकर इट्स ऑल राइट, हमारे पास हाईली टेक्निकल फायरवॉल सपोर्ट है। प्लस ये हैकिंग के प्रॉब्लम्स हमारे लिए नई बात नहीं है। वी आर नॉट ए नॉर्मल बैंक मैन, वी आर आरबीआई। नहीं, मैं भी सोच रहा था, लेकिन हमारे फिरोज साहब न जाने क्यों घबरा रहे। ओके सर। ओके, हम फिर मिलेंगे। नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू सर। सेम हियर, सी यू अगेन। रामैया सर, इस फोन को जरा अनलॉक कर देंगे सर। सेलफोन पासवर्ड को अनलॉक करने के लिए हमें 4 digits चाहिए, हर एक डिजिट 0 to 9 तक, 10 numbers, 10 into 10 into 10 into 10, यानी 10,000 ऑप्शन ट्राई करने पर इस पासवर्ड का पता लग जाएगा। छोटा सा एल्गोरिदम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। इतने छोटे से कोड को डीकोड करने के लिए आपको एल्गोरिदम चाहिए, लेकिन अंदर जिस हैकर की मैंने बात की थी वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम यूज करते हैं। इस बात को सब लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, और ये चीज आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। आने वाले समय में ये साइबर क्राइम सबसे बड़ा क्राइम होने वाला है। ऑलरेडी उसका प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, वो कौन और क्यों करने वाला है इसका पता लगाना होगा। चलिए, लेट्स गो टू सीसीसी लैब। ओके ओके सर, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी गाइस, ही इज मिस्टर फिरोज फ्रॉम रॉ, ये हम सबके साथ एक जरूरी बात करने आए हैं। गो अहेड सर। गुड मॉर्निंग गाइस, हैकिंग हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार आरबीआई साइट्स को हैक करने की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। सो हमारी सरकारी संस्थाओं से जुड़ी सभी अंतर्जातीय संस्थाओं पर कड़ी नजर रखिए, यहाँ तक कि हमारी सरकारी संस्थाओं पर भी। ओके, कीप मी इन्फॉर्म्ड। सर, हम एक एनक्रिप्टेड मैसेज को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आरबीआई से लिंक्ड है। What? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सर। वेलकम, हमारे वेब सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए 1000 बार कहा था, लेकिन तुम लोग नहीं सुन रहे हो। तुम्हारे तमाम सिस्टम्स में सभी बग्स एक्सपोज हो रहे हैं। गवर्नमेंट के सभी वेबसाइट्स काफी कमजोर लग रहे हैं। इससे ज्यादा हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं सर। सर, ये क्या हो रहा है? ये डरने का वक्त नहीं है, बल्कि गहराई से सोचने का वक्त है। We have to do something before it's too late. नहीं नहीं, हमारे पास 7-layer protocol है। ये दुनिया में सबसे बेहतरीन है, स्पेशली हैकिंग को रोकने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला लेयर ये है मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट लेयर। हमारे सभी आरबीआई सिस्टम्स डीएमसी द्वारा यानी डायरेक्ट मॉडेम कनेक्शन के तहत काम करते हैं। ऐसा करने से अंतरजाल मतलब इंटरनेट में मौजूद सभी हैकर्स ब्लॉक हो जाते हैं। अब दूसरा लेयर ये है पॉलिसीज एंड कंट्रोल लेयर। हमारे सभी आरबीआई सिक्योरिटी पॉलिसीज को IIT के साइबर एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन करवाया गया है। अब तीसरा लेयर ये है एंटी हैकर सॉफ्टवेयर लेयर। इस सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर को खासकर माइक्रोसॉफ्ट वालों से तैयार करवाया गया है। चौथा लेयर जो है फायरवॉल लेयर,
next generation PA5060 firewall with 20 Gbps capacity installed kiya hai. लेयर नंबर 5, इसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन लेयर। इसमें केवल आरबीआई अधिकारी और उससे जुड़े जोनल बैंक मैनेजर ही अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हैं। एन्क्रिप्शन लेयर। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन द्वारा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को हम यहां रन करवा रहे हैं। इन्हें पता करना यूएस में मौजूद साइबर एक्सपर्ट्स के लिए भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेयर नंबर 7, ये असेस करती है हमारी तमाम इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को। यहाँ की आरटीजीएस द्वारा इंडिया में मौजूद सभी बैंकों को एक्सेस कर सकते हैं। इस लेयर में केवल बायोमेट्रिक स्कैन द्वारा या फिर रेटिना स्कैन यानी अपनी आंखों की स्कैन द्वारा ही लॉगिन किया जा सकता है। अभी सिक्योरिटी विंग से मैसेज आया है, हमारा आरबीआई साइट हैक हो गया है। व्हाट? हाँ सर। ये नामुमकिन है, हाउ इज इट पॉसिबल? ये सब कुछ कैसे हुआ? परसों तक तो ठीक था सर, शायद कल ही हुआ है। तुम सब कर क्या रहे हो? हमारा सिक्योरिटी सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है, इसके बावजूद ये सब कैसे हुआ? हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, मुझे वो कोई व्हाइट कॉलर हैकर लगता है सर। हमारे लोग उसकी आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश में लगे हुए हैं सर। आमतौर पर हैकर छोटे बैंकों में डेटा चोरी करते हैं, लेकिन ये उस तरह का हैकर नहीं लगता सर। इट्स गवर्नर सर। मिस्टर नारायणन, ये क्या हो रहा है? मैंने सुना आरबीआई साइट हैक हुई है, तुम सब क्या कर रहे थे? सर, हम सब काफी अलर्ट थे सर, लेकिन सर रॉ एजेंट फिरोज ने तुम लोगों को आगाह भी किया था। मुझे कम से कम बता दिया होता। मतलब अपना एडवांस सेवन लेयर सिस्टम को हैक करना इम्पॉसिबल था, इसलिए मैंने। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन जितना जल्दी हो सके, वो कौन है, ये कैसे किया, जल्दी पता करो। और सबसे जरूरी बात, मीडिया को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। यस सर। फौरन सीबीआई और रॉ को बता दो, उसे जल्दी पकड़ना होगा। श्योर सर। फिरोज, हर 6 महीने में एक बार, वो भी सिर्फ 60 सेकंड के लिए, हमारे सिस्टम्स अपग्रेडिंग के लिए इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। इस हैकर ने 60 सेकंड्स में ही इस मुश्किल एल्गोरिथम को क्रॉस करके 10,00,000 करोड़ चुरा लिए। गवर्नर और गवर्नमेंट को मैं क्या जवाब दूंगा? आखिर ये सब किया किसने? हाँ बेटा, स्कूल जा रहे हो क्या? मन लगा के पढ़ाई करना, जरा मम्मी को फोन देना। हाँ फरहा, मैं शनिवार को घर आ जाऊंगा। मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, बाय।
हाँ बोलिए सर। व्हाट? कब? ओके सर। कम ऑन रामैया, पिक अप द फोन मैन। ओह डैम इट। ठीक है मैडम, जरूर मैडम। मिनिस्टर साहब से जरा बात करके नोएडा में उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम। ओके मैडम, जरूर करूंगा। ओके, आप उस बात की चिंता मत कीजिए मैडम। अरे मैं हूं ना। ओके मैडम, सी यू, थैंक यू। हाँ बोलिए। व्हाट? आरबीआई का? ओके, मैं अभी आता हूं। फिरोज, आई वांट टू टॉक टू यू। क्या हुआ सर? आई एम वेरी सॉरी फिरोज, मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आरबीआई साइट हैक हो गया है। हैक हो गया? हैक हो गया? हाँ। ये बात आपको कब पता चली और ये हुआ कब? कल दोपहर को। 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। क्या, 10 लाख करोड़? ओह नो, आरबीआई में सच में उतना पैसा रखा था? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले सीबीआई, रॉ, एनटीआरओ, एफयूआई प्रेसिडेंट्स के साथ स्पेशल मीटिंग अरेंज कीजिए। और हाँ, डॉक्टर राम मोहन को अभी इन्फॉर्म करो। ओके सर। बेहद जरूरी बात करने के लिए मैंने आप सबको इतनी अर्जेंटली यहाँ बुलाया है। आरबीआई साइट को किसी ने हैक करके हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से 10 लाख करोड़ गायब कर दिया। 10 लाख करोड़, सोचिए जरा। वो कौन है? अकेला है या कोई ग्रुप? कैसे किया ये सब? जितनी भी जल्दी हो सके ये सब हमें पता लगाना होगा, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अब हमें आगे क्या करना है इसके बारे में हमारे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हेड राम मोहन जी हमें बताएंगे। सर, मुझे तो 10 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये पता लगाने के लिए भी टाइम लगेगा, और आप बोल रहे हैं कि जल्दी से पता करो। ये इतना आसान नहीं है सर। हैकिंग बहुत ही चालाकी से की हुई चोरी है। बिना हमारी अनुमति के और बिना हमें पता चले ये हैकर्स अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं और उसे चुरा भी लेते हैं। मेरे हिसाब से तो ये काफी सालों से और बहुत सोच समझकर किया हुआ प्लान लगता है, पर उसे ट्रैक कैसे करेंगे? समंदर की जानकारी लेने के लिए सीधे समंदर में कूदने की जरूरत नहीं है, उससे मिलने वाली नदियों के सहारे भी हम जान सकते हैं। इसी तरह आरबीआई के साथ भी लाखों अकाउंट्स जुड़े हुए हैं। सैलरी, करंट, सेविंग्स, ऐसे काफी अकाउंट्स कस्टमर्स के होते हैं। इसका मतलब भारत में जिस किसी के भी अकाउंट्स हैं वो इनडायरेक्टली आरबीआई से जुड़े हुए हैं। सर, 10 लाख करोड़ कोई कैसे विड्रॉ कर सकता है और इतना पैसा कोई कैसे ले जा सकता है? वो फिजिकल मनी नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है। हमें ट्रांजैक्शन तो दिखेगा लेकिन लिक्विड मनी नहीं दिखेगी। आई होप ये बात आप जानते हैं। सर, अगर इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ तो वो किसके अकाउंट में हुआ वो हम पता लगा सकते हैं ना? आरबीआई के आरटीजीएस प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी तरह की एक्टिविटी पता कर सकते हैं। यस सर, यू आर राइट, लेकिन इतना बड़ा ट्रांजैक्शन एक बार में नहीं होता। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले अमेरिका में एक साइबर क्राइम में सलामी स्लाइसिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। सलामी स्लाइसिंग यानी? मैं आपको समझाता हूँ। आपके अकाउंट में अगर 100 रुपए जमा हुए तो आप क्या करेंगे? मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, कोई बोनस या बैंक से इंटरेस्ट आया ऐसा समझ लेता हूँ। अगर 1 करोड़ रुपए हुए तो घबरा जाएंगे ना? अगर आप ईमानदार हुए तो उन्हें बताएंगे, अगर आप नहीं भी बताएंगे तब भी उन्हें पता चल ही जाएगा। शायद यहां भी ऐसा ही हुआ। ये अमाउंट छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन ज्यादा करने वालों के डीमैट अकाउंट्स यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वालों के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट एक महासमंदर है, लाखों करोड़ों रुपए की हेराफेरी यहाँ वहाँ होती रहती है। उस मार्केट को ट्रैक करना इतना आसान काम नहीं। मान लीजिए अगर ये पैसे भी उन्हीं मार्केट में जाते हैं तो वहाँ के ट्रेडर्स ये सोचेंगे कि उनकी शेयर वैल्यू बढ़ गई है। मुझे पूरा यकीन है कि ये पैसे भी उन्हीं मार्केट्स में भेज दिए गए हैं। लेकिन इस तरह से ट्रांसफर किए हुए पैसे फेक ट्रांसफर बोल के ब्लॉक कर दिया तो? आमतौर पर ट्रांसफर 3 तरीकों से किए जाते हैं।
डीडी, टेलेक्स और स्विफ्ट। डीडी के जरिए करने का कोई चांस नहीं है। स्विफ्ट या टेलेक्स यूज किया तो मुश्किल होती है। मुझे तो ये लॉजिकल नहीं लगता। फॉरेन करेंसी मार्केट में आरबीआई की रेपुटेशन गिर जाएगी और रुपए की कीमत भी कम हो जाएगी। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ओके गाइस, हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा। सर, वैसे भी वो पैसे हमें मिलने वाले तो है नहीं, तो फिर इतनी मेहनत करके उसे पकड़ने से क्या फायदा होगा सर? नो नो मिस्टर रमैया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दरअसल वो है कौन, इतना बड़ा स्कैम किया क्यों, कहीं वो आतंक तो नहीं फैलाएगा, ये हमें पता लगाना ही होगा। देखिए मिस्टर फिरोज, इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी आपकी। यू हैव टू फाइंड हिम। यस सर। लेट्स गेट टू वर्क एंड फाइंड द हैकर। मिस्टर राममोहन, हाँ, सीसीसीआर में एक मिस्ट्री वीडियो रिकॉर्ड किया है। ओह, ऐसा क्या? मैंने कहा था इन्फॉर्मेशन पक्की है, इसलिए चौकन्ना रहने के लिए कहा था, तब बात सुनी नहीं और अब इनके पसीने छूट रहे हैं। यही तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। एनीवे, चलो उस वीडियो को देखते हैं। थ्री टू वन गो। वेलकम। हमारे वेब सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हजार बार कहा था लेकिन तुम लोग नहीं सुन रहे हो। तुम्हारे तमाम सिस्टम्स में सभी बग्स एक्सपोज हो रहे हैं। गवर्नमेंट के सभी वेबसाइट्स काफी कमजोर लग रहे हैं। कमजोर लग रहे हैं, कमजोर लग रहे हैं, कमजोर लग रहे हैं, कमजोर, 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 कमजोर लग रहे हैं। वो 10 लाख करोड़ का क्या किया होगा, मुझे टेंशन हो रहा है सर। इन हैकर्स को गोली मार देनी चाहिए। सबको नहीं रहा मैया जी, ये हैकर्स दो तरह के होते हैं। पहले हैं व्हाइट हैकर्स, ये लोग पैसे लेकर वेबसाइट हैक करके उसे प्रोटेक्ट करते रहते हैं। उनमें से कुछ लोग तो सरकार के लिए भी काम करते हैं। और दूसरे हैं ब्लैक हैकर्स, ये लोग इन्फॉर्मेशन चुरा के दूसरे लोगों को दे देते हैं और नेट बैंकिंग द्वारा पैसे हड़प लेते हैं। ओके, ऐसे लोगों की लाइफ में ऐश है, बैठे बैठे आसानी से लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं सर। इतना ही नहीं रामैया जी, ये हैक्टिमिस्ट एक इंटरनेट गैंग से होते हैं। इन्होंने इंटरनेट या डिजिटल की दुनिया में तबाही मचाई हुई है। सभी देशों में इनके आदमी फैले हुए हैं। एक अजीब तरह का नकली मास्क पहनकर ये लोग वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। मेरे ख्याल से ये हैकर भी इसी गैंग का एक मेंबर होगा। इनके अलावा मौज मस्ती के लिए भी हैक करने वाले हैकर्स हैं, जिन्हें ग्रे हैकर्स कहते हैं। ग्रे हैकर्स को मस्ती के लिए ये सब करने से क्या मिलेगा? वन सेकेंड। हेलो, वेरी गुड, कीप मी इन्फॉर्म्ड। फिरोज, हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हैकिंग का पता चल गया है, इसलिए तुम दोनों को जाना होगा। ओके। सबसे पहले हमें रिक्रूटमेंट एजेंसी जाना होगा रामैया। आप लोग? We are from CBI. अपॉइंटमेंट है आपके पास? आईडी कार्ड है? इतना काफी है या और कुछ दिखाना है? जाओ अपने मैनेजर को बुलाओ। ओके सर। आपसे मिलने सीबीआई ऑफिसर्स आए हैं, बाहर वेट कर रहे हैं। हेलो मिस्टर दास। हेलो, आई एम फिरोज फ्रॉम रॉ। ओके, हमें आपके ऑफिस से गवर्नमेंट साइट्स को हैक करने की इंफॉर्मेशन मिली है। हमारे ऑफिस से हैकिंग? यस। आज आपका पूरा स्टाफ आया है? सभी आए हैं सर, सिर्फ अर्जुन को छोड़कर। अर्जुन, अर्जुन आपके यहाँ कितने समय से काम कर रहा है? पिछले एक महीने से सर। उसके डिटेल्स दिखाइए। या, कमिंग। प्लीज।
ये क्या है? उसका इंटरव्यू किसने लिया था? नो इंटरव्यू सर, फ्रेंड के रेफरेंस से आया था। फ्रेंड? हाँ सर, और वो फ्रेंड भी एक हफ्ते से कांटेक्ट में नहीं है सर। इसका मतलब और दो दिन बाद तुम भी कांटेक्ट में नहीं रहोगे है ना? नो नो सर, मैं उसे ज्यादा नहीं जानता था। वी वर जस्ट फेसबुक फ्रेंड्स। ओ, लड़की का मामला है। आजकल लोग फेस टू फेस कम जानते हैं लेकिन फेसबुक पर ज्यादा जानने लग गए हैं, है ना? यस सर, उस पर सिर्फ एक लड़की की फोटो दिखनी चाहिए, लड़के देखते ही बस शुरू कर देते हैं चैटिंग, है ना मिस्टर दास? ऐसा कुछ नहीं है सर, चाहे तो मैं उसकी पिक्चर्स दिखा सकता हूँ। अच्छा सुनो, तुम लोग कीबोर्ड पर लगे कीज के अलावा अपने दिमाग का इस्तेमाल तो नहीं करते? वो एक फेक अकाउंट है और उसी ने क्रिएट किया होगा। अब कहना क्या चाह रहे? सीसी मॉनिटर्स कहाँ है? मेरे साथ आइए। What? Oh no! उसने वीडियोस भी ब्लॉक कर दिए। असल में तुम करते क्या हो? तुम्हारे क्लाइंट्स कौन हैं? RBI बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। अर्जुन का बर्ताव कैसा है? वो एक सरफिरा इंसान है, इतना ही जानता हूँ। अर्जुन के कलीग अरुण से पूछिए। अरुण कहाँ है? आइए मिलवा देता हूँ। अरुण तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ सर। अर्जुन को जानते हो? सर अर्जुन कम ऑन स्पीक अप आई से। कुछ नहीं सर। जल्दी बोलोगे या नहीं? हाँ बोलता हूँ। जब से अर्जुन ऑफिस में ज्वाइन हुआ तब से वो अजीब सा बिहेव करता था, अजीब अजीब टेक्निकल गैजेट्स लेकर घूमता रहता था। वो कहता था कि उसे नैनो टेक्नोलॉजीज एंड एल्गोरिदम्स बहुत पसंद है। वो हमारे ऑफिस में किसी से भी बात नहीं करता था, हमेशा चुपचाप बैठा रहता था। हम जब काम कर रहे होते थे वो सोता रहता था, ऑफिस वर्क छोड़ के अपने मन मर्जी से कुछ न कुछ अजीब काम करता रहता था। और कोई कुछ भी पूछे तो वो जवाब नहीं देता था। मतलब अजीब सा बर्ताव होता था उसका? हाँ कभी कभी वो बहस करता था सर। एक दिन उसे पता चल गया कि मैं उस पर नजर रख रहा हूँ, इसीलिए उसने मुझे वार्निंग दी। हे अर्जुन, तुम इतनी रात को ये ट्रांसफॉर्मर और टावर के पास में क्या कर रहे हो? और तुमने ये मास्क क्यों पहन रखा है? मुझे शक हो रहा है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो और ये बात मैं बॉस को बताऊंगा। नहीं नहीं, पुलिस को बताऊंगा। Thank you.
अर्जुन प्लीज मुझे जाने दो। अर्जुन नहीं, अर्जुन प्लीज 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 प्लीज। मेरा पीछा मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये मेरी तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, समझ गए ना? ओके ओके अर्जुन ओके। अर्जुन का कैबिन कहाँ है? वहाँ है सर। This is Money Bank. मुझे इस बैंक मैनेजर का नंबर चाहिए। मैं पता करता हूँ सर। ओह, तुम क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो कि टाइम पास कर रहे हो? ऑफिस का एक भी काम नहीं करते हो, बाकी सब काम करते हो और तुम टाइम पास करते हो। कब आते हो कब जाते हो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। जरा उनको देखो और खुद को देखो। ये दाढ़ी ये बाल अपनी क्या हालत बना के रखी है। किसी भी एंगल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं लगते। ये डेस्क तो देखो तुम्हारा, सारा सामान कैसा बिखरा पड़ा है। तुम्हें तो किसी बात का असर ही नहीं होता। देखो तो नवाब साहब कितनी देरी से आए हैं और आने के बाद सीधा बुक पढ़ने बैठ गए हैं। तुम्हें रखने का क्या फायदा? अरे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ हेलो, सुनाई दे रहा है ना? इस जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हद हो गई, 10,000 कमाने वाला छोकरा 10,00,000 करोड़ उड़ा ले गया। मिनिस्टर साहब बोलिए। आपके बेटे के एजुकेशन के लिए लोन प्रोसेस में करा दूंगा सर, लेकिन आपको लोन हमारे बैंक से ही लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी के तौर पे आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी होगी।
आप लोग कौन? आप मिस्टर अर्जुन को? ओ, आप हैं, आइए आइए आइए, अंदर आइए प्लीज, आइए बैठिए प्लीज। थैंक यू। पैसा लाए हैं ना? हाँ लाए हैं। 500 करोड़ क्या पैंट की जेब में लाए हो? बाहर गाड़ी में रखे हुए हैं। ओ, गाड़ी में है। आप कुछ देने वाले हैं ना? ओके ओके, एक मिनट। लगता है इसने आरबीआई के किसी जरूरी डिपार्टमेंट की जानकारी उसे दी है, वरना वो इतनी बड़ी रकम इसे क्यों देगा? मुझे भी यही लगता है। ये क्या है? पासबुक। मुझे पता है, 500 करोड़ के बदले यही देने वाले थे क्या? हाँ बिल्कुल, वो मेरे अकाउंट में 500 करोड़ डिपॉजिट करेंगे ऐसा कहा था मुझे, आपको बताया नहीं क्या? आरबीआई से 10 लाख करोड़ चोरी करके दोनों नाटक कर रहे हो क्या? बताओ तुम दोनों का क्या कनेक्शन है? आरबीआई से जुड़ी क्या जानकारी दी है उसे? आरबीआई से मतलब, ये 10 लाख करोड़ कहाँ से आए और आप लोग हैं कौन? हम सीबीआई से। आप बता असल में वो कौन है, तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी और हमारे यहाँ आने से पहले क्या हुआ था, बोल। ओके ओके, मैं समझ गया, मैं सब बताता हूँ। अपने तो जैसे हेलो मेरे गिरीश भाई। तुम कौन हो भाई और मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। सभी दरवाजे तो बंद है, फिर तुम अंदर कैसे आए? वॉचमैन रुको, पुलिस को बुलाता हूँ। हेलो हेलो मिस्टर गिरीश। ये तुम्हारी आवाज है? हाँ, और जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। अब इस वक्त तुम, तुम्हारा घर, तुम्हारा फोन, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। रिलैक्स गिरीश भाई, रिलैक्स। पहले आप शांत हो जाइए और यहाँ बैठ के मेरी बात सुनिए। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे बैंक अकाउंट के डिटेल्स। क्या? प्रजा कष्ट पार्टी का नाम सुना है? हाँ सुना था, पिछले इलेक्शन में बुरी तरह हार गए थे, इलेक्शन कमीशन वालों ने उनसे 500 करोड़ रुपए लिए थे। यस, अब हो जाएंगे 1000 करोड़, क्योंकि मेरे पास 500 करोड़ है जिसे मैं तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा। 500 करोड़ मेरे बैंक में डिपॉजिट करने का मतलब है मुझे इस अकाउंट को आरबीआई से छुपाना पड़ेगा। वैसे प्रजा कष्ट पार्टी से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम्हारे सवालों का 50 करोड़ जवाब के रूप में दूंगा, चलेगा? हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे लिए पासबुक और चेकबुक मैं तैयार करूंगा, बस अपने आदमियों को भेज देना। 2 दिन बाद हमारे आदमी आपको वो रकम दे देंगे। ओके, थैंक यू गिरीश भाई। बार अपना असली चेहरा तो दिखाओ। सर सब कुछ ऐसा ही हुआ था, उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। हेलो हेलो मिस्टर फिरोज। कौन? 10 लाख करोड़ रिकवरी करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये पूछने वाला व्यक्ति हूँ मैं। समझा नहीं आपने? कहा समझा नहीं मतलब आप समझ गए हैं मैं कौन हूँ। आपके आदमियों को मेरा फोन ट्रेस करने के लिए भी बोल दिया आपने, अभी भी यही घिसा पिटा तरीका इस्तेमाल कर रहे हो फिरोज। क्या करूं, तुम्हारी तरह नए नए तरीकों से चोरी करना मुझे नहीं आता ना। फिरोज फिरोज फिरोज, मैं जो कर रहा हूँ वो चोरी नहीं है। तो क्या है, बड़ों की सेवा? देश की सेवा। व्हाट? जाने दो, तुम नहीं समझ पाओगे। मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट मिलने के बाद ही तुमसे उगलवाऊंगा। डायरेक्ट मिलोगे मुझसे? ना मिलने के लिए तुम भगवान तो नहीं हो ना? वो भगवान भी मंदिर में मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। तुमने ये बताने के लिए फोन किया था क्या? नहीं, तुम जैसे ईमानदार ऑफिसर ने मुझे ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट करने से अच्छा जो देश के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं उन्हें पकड़ो, ये बताने के लिए फोन किया। तुम अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हो क्या? वो तो अदालत में ही पता चलेगा। अदालत? हाँ अदालत में, मैं तुझे पकड़ूंगा। ठीक है ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय। हमेशा अपनी ही धुन में रहते हो, मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं देते।
यस, ये हुई ना बात। हेलो माइक, वेयर इज क्रिस्टीना? वो ब्राजील में है। थैंक यू। मिस्टर फिरोज। यस मिस्टर नारायणन, बोलिए। अपडेट, अपडेट चाहिए मुझे। उसी काम में लगा हुआ हूँ सर। वी हैव अ लीड। फिर देर किस बात की? प्लीज एक्ट ऑन इट, क्विक। रिलैक्स मिस्टर नारायणन, रिलैक्स। डैम इट, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बैंक में घुसकर लूटने से अच्छा उसे हैकिंग करके लूटना आसान है। ये सब क्या है सर? ये कोई वीडियो गेम सेंटर जैसा कुछ चला रहा था क्या? शट अप रामैया। यस, यही है अर्जुन कुमार। ये IMF में इकोनॉमिस्ट था, MIT में इंजीनियरिंग, PhD इकोनॉमिक्स फ्रॉम हार्वर्ड। Thank you.
हैपनिंग गाइस। हेलो, हे, हेलो, हाय, वेल, I'm not gonna take much of your time here today. We are glad the media personnel, civil society representatives, banking and financial institutions are present here today to understand the World Bank and IMF Way Forward initiative. But before that, I would like you guys to watch this video. 2010 में लेमन ब्रदर्स नामक संस्था के तबाह होने के बाद अमरीकी और ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक ने मिलकर क्वांटिटेटिव ईजिंग टेक्निक मनी जैसी प्रक्रिया को इस्तेमाल किया, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक से बॉन्ड के रूप में कर्ज खरीदना पड़ता था, लेकिन दुनिया के तमाम अर्थशास्त्रियों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। उदाहरण के तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन में हो रहे वॉल स्ट्रीट आंदोलन, जो इस प्रक्रिया के नाकाम होने का जीता जागता सबूत है। इस सिस्टम के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ विकास की ओर बढ़ने वाले देशों पर अपना दबाव डाल रहे थे, और इधर डॉक्टर अर्जुन कुमार इसी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा था। वो गरीब और विकास की तरफ अग्रसर होने वाले देशों को बिना ब्याज के कर्ज देने के लिए जोर दे रहा था। So ladies and gentlemen, allow me to present to you the interest-free scheme helping NGOs to empower poor nations. For the population that lives under $2 a day, the interest-free scheme is truly the way forward to build a strong economy. I believe in the interest-free world. Thank you. पता नहीं इस अर्जुन को क्या हो गया है। ओह नो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जो पेपर करेंसी आज हम यूज कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल पहली बार 15वीं सदी में इंग्लैंड और इटली में किया गया था, लेकिन आज के दौर में सारे बैंकर्स ने इस पेपर करेंसी की अहमियत को पूरी तरह से तबाह कर दिया, और इसीलिए पेपर मनी को रोककर इलेक्ट्रॉनिक मनी का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी और सिर्फ तभी बैंकों में हो रही गड़बड़ियों को हम सुधार सकते हैं। हेलो, हाँ मैं समझ सकती हूँ। मैंने अभी अभी ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा। हम सेंट्रल बैंक के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं वैल्यू कम करने के लिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि वो हमारा साथ देगा। हे क्रिस्टीना, हाउ यू डूइंग? हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं अर्जुन। एंड आई थॉट आई मेड इट वेरी क्लियर दैट आई हैव माय प्रिंसिपल्स एंड आई विल स्टैंड बाय देम। हम बैंकर्स हैं, आखिर हम भी यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं अर्जुन। ये मत भूलो कि हम पैसों से काम करते हैं और पैसों के लिए भी। दिस वेट ऑफ मनी सिस्टम इज ऑफ नो यूज। लुक एट द वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। अर्जुन की ये बात सुनकर क्रिस्टीना ने अपनी निराशा व्यक्त की। अर्जुन ने कहा था कि वो अपने उसूलों के खिलाफ काम नहीं करेगा, और बैंकर्स पर से लोगों का विश्वास उठ रहा था। ऊंचे पोस्ट पर काम करने वाले अर्जुन की कीमत लाखों करोड़ों में थी, इसीलिए क्रिस्टीना ने आईएमएफ के खिलाफ काम ना करने की अर्जुन को सलाह दी। तुम जानते हो इसमें हमारा हाथ नहीं था। Look at what 99% think about bank. अर्जुन, तुम्हारी कीमत $5 million है। Oh, sorry.
कटने कटने नो कटने। ये क्या हो गया अर्जुन, हम अभी अभी तो मिले थे और मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना था। तुम घबराओ मत, एम्बुलेंस बुलाता हूँ। तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम्हें अपने उसूलों के लिए वो सब बात करने का ये समय नहीं है। रुको, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है। मैं पहले फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ, तुम रुको रुको रुको। कर्टनी के कर्मचारी अर्जुन कुमार पर गैर कानूनी तौर पर आईएमएफ से जुड़ी कुछ जानकारी भारत को देने का आरोप है। आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने इस आरोप को लेकर कुछ बताया। आईएमएफ डिप्टी गवर्नर ने इस बात को सच करार दिया। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आईएमएफ के कर्मचारी अर्जुन कुमार पर साइबर क्राइम से जुड़ने का आरोप लग गया है। I guess I'm not happy with your system. Arjun, you're worth $5 million. Oh, sorry. होगा।
हाँ सर, उस वक्त इसके ऊपर चीटिंग और मर्डर का भी इल्जाम लगा, हमें तब से इसकी तलाश है। बिल्कुल, उसके बाद ये इंडिया आ गया था। वो इंडिया क्यों आया था सर? अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, उस चीटिंग केस और इंडिया का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। हेलो मिस्टर फिरोज, काफी जल्दी मेरे घर पर पहुंच गए। लेकिन गुड लक, हमारे आने से पहले ही गायब हो गए। बैड लक टू यू। वो ठीक है, अब तुम कहां पर हो? तुमसे काफी ऊपर, तुम्हारे अंदाज से काफी दूर। हाँ जाओ जाओ, जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं आऊंगा। जाहिर सी बात है। देखो अर्जुन, 4 साल पहले तुम पर एक चीटिंग का केस हुआ था। वो झूठ झूठ न रहे इसलिए हकीकत में बदल दिया। मतलब? मैंने भलाई करने का सोचा था, लेकिन जो मुझसे जलते हैं उन्होंने मुझे दुनिया के सामने चोर साबित कर दिया। देखो मिस्टर अर्जुन, ये कहानियां मैं नहीं मानता। जिस रकम की जरूरत नहीं उसे आरबीआई ने क्यों लिया? हैकिंग की बात पता चलते ही गवर्नर और डिप्टी गवर्नर इतना क्यों घबराए? बोलो। गवर्नमेंट को बिना बताए सिर्फ सीबीआई और रॉ को ही ये केस क्यों दिया, एक बार अपने आप को सवाल करो। बोलो कौन है, पता करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो अर्जुन, ये तुम्हारी फिल्मी कहानियां मैं नहीं मानता। यकीन करना होगा फिरोज, क्योंकि ये कहानी नहीं सच्चाई है। अगर ये सच है तो अदालत में पेश होकर खुद को निर्दोष साबित करो। मुझे दोषी साबित करने से देश को नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें दोषी साबित करने से देश को नुकसान होगा? वो कैसे? सब कुछ आसानी से बता दिया तो तुम क्या करोगे रॉ एजेंट मिस्टर फिरोज? देखो अर्जुन, तुम जैसे इकोनॉमिस्ट की देश को सख्त जरूरत है, इसलिए सरेंडर कर दो। तुम्हारे पॉलिसी से गवर्नमेंट को फायदा मैं दिलवाऊंगा। तुम हम जैसे लोग ईमानदारी से तो काम करेंगे मिस्टर फिरोज, लेकिन हमारे ऊपर जो बैठे हैं ना खुद ठीक से करेंगे ना हमें करने देंगे। सिर्फ भारत देश में ही नहीं, तमाम देशों में काफी लोग अपने अपने काम ईमानदारी से करें तो मेरे जैसों की जरूरत नहीं। गुड बाय। हेलो हेलो अर्जुन, क्या कह रहा था सर, अब कहाँ है वो? मुंबई में। मुंबई में? हाँ, देखते हैं हमसे वो कब तक बचता है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम। नो 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 नो, ये बात गवर्नमेंट को किसी भी हालत में पता नहीं चलेगी, आई एम श्योर। मैडम, मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं इस मामले को सुलझा लूंगा। यस, ओके। हाँ हाँ, मैं कम इन सर। हाँ फिरोज, कम ऑन कम ऑन, व्हाट हैपेंड? उसका एड्रेस हमने ढूंढ निकाला है। Wonderful, फिरोज, wonderful. उसे कब गिरफ्तार करोगे? Get the damn hacker. Sorry sir, हमारे पहुंचने के पहले वो भाग गया। क्या था? कहा? वो भाग गया? हम्म। या फिर उसके साथ शामिल होकर तुमने कोई डील कर ली? तुम हंस क्यों रहे हो फिरोज? आपकी बातें सुनकर मुझे एक बात याद आ गई सर।
वो कहते हैं ना, जिसे पीलिया होता है उसे पूरी दुनिया पीली नजर आती है। What do you mean, फिरोज? सब लोग आपकी तरह लालची होकर चोरी नहीं करते हैं सर। हाँ? मैं चोर हूँ? अरे मेरे और उस आईएमएफ ऑफिस के बीच कोई संबंध नहीं है, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। देखो मिस्टर फिरोज, इस मामले में बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं। ये सारी बातें तुम नहीं समझोगे। ये लीजिए सर, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सॉरी सर, ये आपको नहीं गवर्नमेंट को दूंगा। आपको अरेस्ट करके एक क्रिमिनल की जिस तरह इंक्वायरी करते हैं वैसे करने पर ही आपका और 10 लाख करोड़ का क्या संबंध है ये आप कोर्ट के सामने बताएंगे। बाय फिरोज। प्लीज प्लीज, मैं बताता हूँ। 4 साल पहले आईएमएफ में क्रिस्टीना से मेरी मुलाकात हुई थी। आईएमएफ और कुछ इकोनॉमिक हिटमैन मिलकर भारत में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन क्रिएट करने के लिए मुझे अप्रोच किया था। इसी प्रोसेस में रुपए की कीमत बुरी तरह गिराने के लिए भारत की आर्थिक व्यवस्था में 5 सालों में 10 लाख करोड़ प्रवेश करवाने का फैसला लिया गया था। इस काम के लिए आईएमएफ में काम करने वाले इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को आईएमएफ के इस प्लान में शामिल करने का सोचा गया, लेकिन उनके मना करने पर इस प्लान में मुझे शामिल कर लिया गया। आईएमएफ डायरेक्टर क्रिस्टीना से मिलने के बाद और उसके मना करने के बावजूद आरबीआई डिप्टी गवर्नर डॉक्टर नारायणन एक इकोनॉमिक हिटमैन के रूप में भारत को टारगेट कर रहे थे। रुपए की कीमत गिराने के लिए उन्होंने कुछ साजिशें रची और इस काम के लिए उन्होंने अर्जुन की मदद ली। डॉक्टर नारायणन को ये सब कुछ आसान लग रहा था। देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर रहकर भी तुम जैसे लोग ऐसा करोगे तो अपना देश कभी भी विकास की तरफ नहीं बढ़ सकता। तुम जैसों को देखकर शर्म आती है मुझे, एट द सेम टाइम उस हैकर को लेकर मुझे खुशी होती है। उसने इस देश की काफी मदद की है, आईएमएफ वालों को और इकोनॉमिक हिटमैन्स को करारा जवाब दिया है उसने। इंडियन रुपये की कीमत को तुम लोगों के मास्टर प्लान से बचा लिया है। इतना करके भी वो हैकर आपके और सोसाइटी के जहन में एक चोर बन के रह गया। अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को मैं गवर्नमेंट के हवाले करूंगा। आपको गवर्नमेंट इंक्वायरी के लिए आना होगा। फिरोज, क्या हुआ? एक बढ़िया वकील को मुंह मांगी कीमत देकर बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हो ना? उस हैकर ने आपके हिस्से के कमीशन को भी हैक कर लिया। ओह नो, ये क्या हो गया? असल में वो हैकर कोई और नहीं, एक्स आईएमएफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अर्जुन कुमार है। गुड बाय सर। May I come in? Oh, hi Arjun. Welcome back. अब तक आपने जो मदद की, thank you very much. कोई बात नहीं. It would have been very difficult without your help. मुझसे ये सब कहने की जरूरत नहीं है अर्जुन, मुझे उसके लिए पछतावा हो रहा है। तुमने कर्टनी को खो दिया, लेकिन मैं बहुत टेंशन में थी। अब मैंने आईएमएफ छोड़ दिया, मुझे कोई दुख नहीं। I understand. तुम वो पैसे इंडिया के बाहर लेकर कैसे गए? तुम कहाँ चले गए थे? आरबीआई का 3D मॉडल हासिल करने में मुझे लगभग 1 साल लगा। उसी सिलसिले में आरबीआई को सपोर्ट करने वाली एक कंपनी को ज्वाइन किया। डायरेक्ट मॉडेम कनेक्शन अवॉइड करने के लिए अकॉस्टिक कपलर्स का इस्तेमाल किया, उसके जरिए लेयर 1 को एक्सेस किया था।
सिक्योरिटीज और पॉलिसी से जुड़ी पूरी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑफिस में मौजूद टेक्निकल रूम से हासिल की। एंटीवायरस लेयर को मात देने के लिए यूएस में अपने साथियों से मिलकर एक मुश्किल सा मालवेयर प्रोग्राम बनाया। फायरवॉल लेयर में जितने भी सिस्टम्स हैं सभी IP4 पर चल रहे हैं, उन्हें IP6 में बदल दिया। क्रिप्टिक ट्रोजन मैसेजेस को इनकोड करके सिस्टम्स में डाल दिया। बस और क्या, RBI और RTGS प्लेटफॉर्म्स में एंटर किया। उसमें इंडियन इकोनॉमी में अगले 5 सालों में इस्तेमाल में लाने वाले 10 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक मनी का एक्सेस मिला था। वो पैसे मनी बैंक जनरल मैनेजर के फिंगरप्रिंट्स के जरिए स्कैन करके इंडिया में मौजूद 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स में जमा कर दिया। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले अमेरिका में एक साइबर क्राइम में सलामी स्लाइसिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। सलामी स्लाइसिंग यानी? मैं आपको समझाता हूँ। आपके अकाउंट में अगर 100 रुपए जमा हुए तो आप क्या करेंगे? मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, कोई बोनस या बैंक से इंटरेस्ट आया ऐसा समझ लेता हूँ। अगर 1 करोड़ रुपए हुए तो घबरा जाएंगे ना? अगर आप ईमानदार हुए तो उन्हें बताएंगे, अगर आप नहीं भी बताएंगे तब भी उन्हें पता चल ही जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ये अमाउंट छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन ज्यादा करने वालों के डीमैट अकाउंट्स यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वालों के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरे अकाउंट में से 10-10 रुपए क्यों कट रहे हैं? शायद कोई बैंक चार्जेस होगा, जाने दो। छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर और फिर वहां से लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, गरीब देशों में मदद करने वाली प्राइवेट संस्थाओं में इन्वेस्ट किया। एनीवेज, अब तक की आपकी मदद के लिए थैंक्स। कहां गायब हो गया? क्या कर रहा होगा? इस फाइल को अपने स्टोर रूम में रख दो। असल में इन हैकर्स पर जितना रिसर्च करो उतना कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। अगर दुनिया में सबसे बड़े हैकर्स की लिस्ट देखें तो उनमें सबसे पहले आएगा अमेरिका में रहने वाला केविन मैकनिक। इस महाशय ने IBM और मोटोरोला जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ स्कैम करके जानबूझकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, और आज ये शख्स एक कंप्यूटर सिक्योरिटी कंपनी को इस तरह चला रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इस शख्स का नाम है व्लादिमीर लेविन। साल 1994 में घर में अपने बाप के खरीदे हुए कंप्यूटर के जरिए सिटी बैंक में एंटर करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स को यूं उड़ा के ले गया। सिर्फ 3 साल जेल में काट कर वो बाहर आ गया। और ये है कनाडा का माइकल कैल्सी। इन महाशय ने साल 2000 में याहू, एमेजॉन,
और फीफा जैसी वेबसाइट को हैक किया था। जब उसने इस काम को अंजाम दिया था तब उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी और उसे 8 महीने जेल हुई थी। और ये है स्कॉटलैंड के निवासी गैरी मैग्नम। इस हीरो ने तो सीधे अमेरिका की पूरी 90 मिलिट्री वेबसाइट्स और नासा में घुसकर बेहद जरूरी जानकारी को डिलीट कर दिया। एक नंबर का साइको है ये। इसे यूएस के कोर्ट में सजा देनी है या यूके के कोर्ट में सजा देनी है ये समझ में नहीं आने के कारण इसे छोड़ दिया गया। और अब ये मिस्टर अर्जुन कुमार, उसके और उसके उसूलों के प्रति जो अन्याय हुआ उसका बदला लेने के लिए इसने सीधे आरबीआई से भारी रकम 10 लाख करोड़ रुपए गायब कर दिए। ये एक जमाने में आईएमएफ का फेमस इकोनॉमिस्ट था, लेकिन अब कहां है ये किसी को नहीं पता। ए, वो फाइल वापस ले आना। ब्राजील के लिए एक टिकट बुक करो जल्दी। अर्जुन हुँ? मुझे पता है तुम इकोनॉमिक हिटमैन के खिलाफ हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। क्या है वो? मैं एक काउंटर शुरू करने वाली हूँ, द इकोनॉमिकल हिटमैन एजेंसी, डेवलपिंग कंट्रीज के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ना। यस, इफ यू आर इंटरेस्टेड। अब कौन से सेंट्रल बैंक को लूटना है? रशिया। मशहूर हैक ग्रुप ने अमेरिका के अनजान हैकिंग ग्रुप्स के साथ हाथ मिलाकर अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स को हैक कर लिया। पूरे विकसित देशों के दबाव के कारण अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को बंद कर दिया। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने मिलकर नई आर्थिक व्यवस्था का आयोजन किया है। बिटकॉइन जैसे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर को इस्तेमाल में लाने के लिए शंघाई ने मॉनिटर कॉन्फ्रेंस निर्धारित किया है। That's it, my boy. सर, एक आखिरी सवाल। आरबीआई से लूटी हुई उस रकम को उस हैकर ने सलामी स्लाइसिंग फोरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट किया है, ये आपको कैसे पता चला सर? तुम खुद ही पता कर लो।